ऐसा है कि सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि के सिंह एडीएम के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि तेजस्वी यादव जी व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी को भी फोन करके, जहां तक हमको पता है कि उन्होंने कहा है, तो के सिंह एडीएम के ऊपर कार्रवाई ना होना ये बहुत ही बड़ा दुखद बात है। और साथ साथ ये तेजस्वी यादव के कद के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है कि उनका कितनी पकड़ है इस सरकार में। बात समझ गए? आपको ये मैं बता दूं अंदर की बात कि वही के सिंह एडीएम विधानसभा में अभी कुछ ही दिन पहले आरजेडी के एमएलए को लोटा लोटा के मारा। पता होगा उपेंद्र शर्मा सीनियर एसपी थे, यही डीएम साहब थे, यही के सिंह थे, अंदर से खिंचवा खिंचवा के पिटवाने वाले व्यक्ति थे। तो किसी ने जाके मुख्यमंत्री जी को ये बता दिया कि हुजूर यही ना आरजेडी के एमएलए को मारा था लंगड़ा लंगड़ा के, तो बोले होंगे कि वो यही था, तो फाइल उनकी चप गई, दब गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नहीं तो सरकार के सामने एक मामूली एडीएम का क्या वजूद है, आप समझ सकते हैं एडीएम कितना पावरफुल होता है, कितना देर लगेगा डिप्टी सीएम और सीएम को ऐसी करने में। तो ये तो बहुत दुखद बात है। और आप नौकरी कहाँ से दीजिएगा भैया, ये घर में रोज भीड़ भाड़ लगा के मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो क्या घर से अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है क्या? घर में अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है? पहले एक जो विद्यार्थी को माथा फाड़ दिया है एडीएम पर, तो कार्रवाई नहीं हुआ। और अपने आप को बनते थे कि बहुत बड़ा हम शुभ चिंतक हैं विद्यार्थी के, और इतना नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, रोज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करते हुए आज इतना दिन हो गया, सरकार का गुजर गया, कोई भी विकास का काम कैबिनेट से अभी तक अप्रूव्ड हुआ? जो टर्न डाउन हुआ है फाइल नया सरकार बनने के बाद, कोई भी बड़े स्कीम में हाथ लगा? ये सब फालतू का, सबको पाठ पहारा पढ़ा के अपना कुर्सी में बैठे रहिए, राम राज मनाते रहिए। झूठ है कि क्या झूठ है बता तो दिया भाई, अभी इससे भी घिरा हुआ कोई बात का उदाहरण हम दे पाएंगे क्या? अभी तक एक के सिंह एडीएम जो बीच डाक बंगला पर राष्ट्रीय ध्वज तक है विद्यार्थी के, और इतना नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, रोज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हुए आज इतना दिन हो गया, सरकार का गुजर गया, कोई भी विकास का काम कैबिनेट से अभी तक अप्रूव्ड हुआ? जो टर्न डाउन हुआ है फाइल नया सरकार बनने के बाद, कोई भी बड़े स्कीम में हाथ लगा? ये सब फालतू का, सबको पाठ पहारा पढ़ा के अपना कुर्सी में बैठे रहिए, राम राज मनाते रहिए। झूठ है कि क्या झूठ है बता तो दिया भाई, अभी इससे भी घिरा हुआ कोई बात का उदाहरण हम दे पाएंगे क्या? अभी तक एक के सिंह एडीएम जो बीच डाक बंगला पर राष्ट्रीय ध्वज का इस तरह से अपमान किया, इस तरह से माने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, डंडा चलाया गया के सिंह के द्वारा, डंडा चला के वो विद्यार्थी को सर फाड़ दिया गया, 307 का सीधा मुकदमा बनता है, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब इससे भी दुखद कोई बात है? आप कह रहे हैं गठबंधन की बात हो रही है, क्या गठबंधन की बात हो रही है? रोज तो थ्रेटनिंग और धमकी और इधर उधर यही सब हो रहा है, सुनने को मिल रहा है बिहार में न चलेगा, देख लेंगे, केंद्र वाला बाबू बचा नहीं पाएंगे, तो वैसे कहीं डिप्टी सीएम का लैंग्वेज और बोलने का स्पीच और तरीका ये होना चाहिए, आप भी बताइए।